और फिर बिहार दरोगा ऐसा जो एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए एक बुक लॉन्च किया गया था मार्क्समैन का जो टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीकर है। इसमें बेसिकली बिहार फैक्ट है, करेंट अफेयर एंड जीके स्टैटिक्स एंड 15 सेट ऑफ बेसिकली ये जो बुक है अबाउट बाई लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी है। एंड लास्ट इस बुक का जो लास्ट फैक्ट है वो है 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस बुक का भी हम लोग देखेंगे बिहार फैक्ट के बारे में कि बिहार फैक्ट के बारे में इस बुक में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। ये मार्क मैन का पब्लिकेशन है जो बिहार में पब्लिश हुआ है, ये इजली अवेलेबल पटना गया एंड और भी कई जगह ब्रांच है इसका। सो बिहार फैक्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या। फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री से। In history, they explain about the first republic state in the world. Right? That's name is Faisali. So, Bihar, पूरे world का जो सबसे पहला democratic कोई state था या फिर कोई एक राज छोटा सा हो या बड़ा सा हो, पूरे world का जो सबसे पहला जो हमारा है वो है वैशाली republic state. तो वैशाली अभी फिलहाल ये बिहार का एक छोटा सा district है या फिर एक पार्ट है, 38 ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसमें से एक वैशाली भी है। सो वैशाली इज इन 599 BC, दैट महावीर इज बर्थ प्लेस आल्सो। एंड बेसिकली ये मेंशन किया हुआ है जब हमारा ग्रीक वॉर, जब ग्रीक एशियन आए थे उसमें ये बुक के बारे में ये जिक्र किया गया था कि ये पहला एक महाजन प्रास था, जन्ना का हो या फिर महाजन प्रास हो, जहां पर बेसिकली ये बताया गया था कि लोगों के द्वारा लाइक के डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट डेमोक्रेसी जो स्टार्ट किया था बिहार के एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है जिस वाजी के नाम से उस समय। फिर सेकंड सनातन दर के बारे में बताया गया है कि व्हेन दे हैव टू स्टार्ट ए सनातन दर, कहां से हिंदुत्व का ये जो फंडा रूल आया पूरे वर्ल्ड में या फिर स्पेशली इंडिया में स्टार्ट हुआ था सनातन का, वो बिहार से ही रिलेटेड था। इसमें लिखा हुआ है द सर्चिंग फॉर द ट्रूथ इज कॉल्ड ए सनातन धर्म, यानी कि आप ट्रूथ के बारे में अपने सोल के बारे में जानने चाहते हो। उस समय के लोगों को ये जानना था कि मृत्यु होने के बाद लोग कहाँ जानते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारे लोग एक पर्टिकुलर कास्ट के थे जो हिंदुत्व फिर बाद में जाने गए। तो ट्रूथ के बारे में जानना ही ये हमारा जो है वो सनातन धर्म का स्टार्टिंग था। सो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट विद इन द 1 billion ऑफ द फ्लावर विच हैज बीन इन फोकस। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं सनातन धर्म के बारे में। धर्मा इज द नेचर एंड राइट ऑर्डर फुल ऑर्डर एंड फंडामेंटल ऑफ द एवरीवन एंड एवरीथिंग। इट इज बोथ वाई थिंक आर एज दे आर पाथ टू द रिलीजन ऑफ वाई थिंक आर दे आर इज वंडर ऑफ लाइफ। मतलब सनातन धर्म बेसिकली स्टार्ट जो हुआ था वो नेचर फैक्ट पर था, नेचर बेस पर था कि ऐसा होता है कि ये सिचुएशन अगर ये रहेगा तो इसके मुताबिक ये होगा। और ऑफ कोर्स द बर्थ प्लेस ऑफ सीता इज इन राइट नाउ इन लोकेटेड इन बिहार, जहाँ सीतामढ़ी। कुछ लोगों का मानना है कि सीता का जन्म जो है नेपाल के कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा लोगों का ये मानना था कि जब सीता जन्म हुए थे उसमें एक पूरा जनक का पूरा राज हुआ करता है जिसमें सीतामढ़ी भी एक बिहार का एक जो पार्ट है, नेपाल का कुछ पार्ट और बिहार का कुछ पार्ट जो है पूरा एक राज था, उस वहीं पर सीता जी का जन्म हुआ था। सो रामायण लिखने वाले भी हमारे बिहार से रिलेटेड है, वाल्मीकि जिसका बेसिकली नाम है। सो द राइटर ऑफ रामायण इज वाल्मीकि। ट्रूथ क्या है, फैक्ट क्या है, बहुत सारा फैक्ट मिलने के बाद, क्योंकि ये एक्चुअल प्लेस जो है रामायण का वो एग्जैक्ट पता है कि हाँ राम जी का यहाँ जन्म हुआ, सीता यहाँ हुई थी, ये लोकेशन था। तो पूरे फैक्ट के बाद के साथ बताया गया था कि एक ऐसा राज हुआ करता था जो सत के युग में, जिसको सतयुग के नाम से जाना जाता है, आज कलयुग के नाम से जाना जाता है, तो उसमें सतयुग का। और स्पेशली द फादर ऑफ सीता इज जनक, तो जनकपुरी एक लोकेशन था हमारे बिहार में। सो फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का आया। सबसे पहले इस बुक में मेंशन किया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी एक प्लेस है वहां पर हुआ है। एंड बोधगया में इन्होंने एनलाइटमेंट पास किया था। एनलाइटमेंट मतलब अपना ज्ञान, जिसको खुद से मतलब हर चीज का ज्ञान हो जाए,
बोध के आगे नीचे में पढ़ने के बाद, जब आप बोध भगवान के बारे में जानोगे फैक्ट उनके बारे में, उनके पूरी लाइफ के बारे में, आपको पता चलेगा कि काफी योग वगैरह करने के बाद भी उनको एनलाइटमेंट नहीं मिला था, चाहे वो भोग त्याग सारा चीज छोड़ दिया जाए फिर भी एनलाइटमेंट उनको नहीं मिला था। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया था कि ये सब करने से नहीं होगा, एनलाइटमेंट चाहिए तो अपने आप को कंट्रोल करना होगा। इफ यू हैव कंट्रोल योर माइंड बेसिकली दे हैव रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। सो अपने आप को या फिर सारा मोह माया सब चीज दुनिया का सब चीज सब मोह माया है, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाना ही है, राइट। तो ये सारा चीज जितना भी है सब वो मोह माया का ही एक पार्ट है। तो बुद्धिज्म का सिंपल सा रूल था कि आप इन सारे चीजों से दूर हो जाओ, अगर ये सारे चीज अपर रहेंगे तो दुख सुख ये सारा चीज आएगा ही, पर इनसे आप परे हो जाओगे आगे बढ़ जाओगे इन सारे चीज को त्याग करके, तो वो एक दूसरी दुनिया होगी, राइट। तो ये बुद्धिज्म का हो गया। एंड लास्ट में खुशीनगर एक प्लेस है जो आज की यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है खुशीनगर, वहां पर इनका डाई ये निर्वाणा जिसको कहते हैं लास्ट प्री निर्वाणा, लास्ट जो स्टेज होता है जहां पर अस्तूपा बुद्धिज्म का ज्वाइन किया हुआ था, तो खुशीनगर में इनका लास्ट जो है वो अस्तूपा बना था। फिर महावीर के महावीर जो हमारे हैं जैनिज्म धर्म के, उनके बारे में भी बताया गया कि महावीर का कहाँ जन्म हुआ था, और महावीर के बारे में कुछ फैक्ट भी है यहाँ पर लिखा हुआ कि जैसे ये महावीर के केमा गुरु थे या फिर केमा रूप थे, तो 24th रूप का है, और बर्थ प्लेस इनका कुंडलाईपुर में हुआ है, और जैसे कि ये भी जब इनका भी ध्यान हुआ था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का अगर फैक्ट देखा जाए तो दोनों का सिमिलर चीज है, नॉन वायलेंस को अपनाओ सारी चीज को त्याग दो, बड़े थोड़ा सा टफ वर्क है, आम लोगों के बस की बात में नहीं है, पर दोनों का एक चीज में कॉमनली नहीं बनता था, वो है सोल का डिफिनेशन के बारे में, जब क्योंकि आत्मा जो होता है वो इनका कुछ और मानना था, जैनिज्म का कुछ और मानना है, बुद्धिज्म का कुछ और राय था। तो अगर ये भी सवाल पूछ दिया जाए कि अगर कौन सा चीज है जो दोनों में कॉमनली नहीं बनता है, तो दोनों में कॉमनली जो है वो सोल के बारे में, वो डिफिनेशन ऑफ द सोल जो है दोनों का एक नहीं था, दोनों का अलग अलग मत था, और सिंपली वही निर्वाणा जो हमारे प्री निर्वाणा जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म में, यानी कि डाई ऑफ द महावीर, तो अराउंड 500 बीसी के आसपास जो है महावीर ने पावापुरी में इनका ध्यान हुआ था। और फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह जो हमारे लास्ट सिख गुरु हैं 10th का, उनका जन्म भी हमारे पटना साहिब के पटना में हुआ है। तो बेसिकली पहले बिहार के बारे में ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बिहार से कितने ऐसे लोग जन्मे हैं जो बिहार के नाम को काफी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सो इनमें से इनका भी नाम था, गुरु गोविंद सिंह का भी था, जिसके बारे में उनके फादर मदर जो भी है सारा चीज इस बुक में लिखा हुआ है, और गुरु गोविंद जो है बैटल जब मुगल के खिलाफ लड़े थे उनके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। सो ये बेसिकली मैंने उठाया है विकिपीडिया से, और इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द 10th गुरु ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वेरियर पोएट एंड फिलोसफर, मतलब सारे चीजें रचे हैं, फिलोसफर भी रहे हैं पोएट भी रहे हैं। द इनके फादर का नाम था गुरु तेज बहादुर, और वी हैव द रिफर टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो मुगल चाहता था कि एक ऑर्डर दिया गया था कि गुरु तेज बहादुर को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन उनके गुरु उनके जो फादर है उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट ना करना चाह, इसके बिहाफ में उन्होंने वरना स्वीकार किया। उनमें से एक है जो 9th सिख गुरु थे, एंड मुगल आर्मी के फिर तो बनता ही है गुरु गोविंद सिंह को मुगल आर्मी के खिलाफ लड़ना, की एक तो फादर का भी जुनून था, और एक चीज और है कि जो सिख में जो खालसा जो समूह का इन्होंने मुगल के खिलाफ विद्रोह करने के लिए खालसा समूह का गठन किया था, तो ये भी पूछ सकता है कि किसने किस सिख गुरु ने खालसा समूह का फाउंडेशन रखा है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा समूह का फाउंडेशन रखा था अगेंस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुरुद्वारा है बिहार का उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हर मंदिर के नाम से इनका नाम जो है जाना जाता है गुरुद्वारा को। लिच्वी डायनेस्टी जो सबसे पहला डायनेस्टी था, एक होम वर्क है, लिच्वी डायनेस्टी के अंदर में ही हमारे सिद्धार्थ जो है वो महावीर जो है उनके उसी राज में, लिच्वी बेसिकली जो है एक किंग
एक तरह से डायनेस्टी है बीच में, जो फर्स्ट जब मॉर्स गठन नहीं हुआ था उस टाइम पर, उसके पहले का है लिच्वी डायनेस्टी, और ये एरिया जो है वैशाली। तो पाटलिपुत्र आने से पहले, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाने से पहले जो राज ऐसे बन चुके थे ऑलरेडी बिहार में, जो मगध के अंदर में ही आ रहे थे, पर मगध का जो पूरा समूह बना वो बना हमारा पाटलिपुत्र आने के बाद। लेकिन इसके पहले राजगीर और वैशाली दो ऐसे राज बन चुके थे ऑलरेडी, एक महाजनपद राज जो था वो बना हुआ था, उसमें से एक लिच्वी डायनेस्टी जो है वो इसमें से आता है। तो लिच्वी डायनेस्टी बेसिकली वैशाली के आसपास का था, लेकिन जैसे जैसे मगध का सम्राट बढ़ते गया, लिच्वी डायनेस्टी थोड़ा छोटा बनते गया, और ये जो है बेसिकली बाद में जाने के बाद ये शिफ्ट हो जाता है नेपाल में। तो नेपाल में जो एरिया हो जाता है वो लिच्वी डायनेस्टी का हो जाता है, और बिहार वाला जो एरिया हो जाता है वो मगध का एरिया के अंदर में आ जाता है। जयदेव वन ऑफ द किंग ऑफ लिच्वी डायनेस्टी, जो जयदेव वन थे, एंड ऑफकोर्स जब मोगल मौर्य समाज का हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। कौटिल्य का तीन नाम से जाना जाता है, एक तो चाणक्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौटिल्य इज ऑल्सो नॉन एज, सो ऑप्शन ना ही चाणक्य दिया होता, इसमें से विष्णुगुप्त दिया होता। तो तीनों याद रखना है, विष्णु भगवान का समझ लो एक तरह से, गुप्ता तो ऑलरेडी गुप्ता है ना, चाणक्य गुप्ता भी है ऑलरेडी। तो इन्होंने कौटल के बारे में, ये जो थे कौटल बेसिकली थे अर्थशास्त्र के फादर कहलाते हैं, जो पहले पूरे वर्ल्ड का जो अर्थशास्त्र था वो इनके नाम से जाना जाता है, कौटल्य के चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, जो एस्ट्रोनॉट के बारे में, हालांकि ग्रीक में ऑलरेडी फाउंडेशन हो चुका था एस्ट्रोनॉट वगैरह का, लेकिन अगर हमारे पूरे भारत में अगर बात किया जाए वो अगर फाउंडेशन एस्ट्रोनॉट को शुरुआत करने वाले थे तो मैथमेटिशियन का दिया जाए, एस्ट्रोनॉट का दिया जाए, अर्थशास्त्र का दिया जाए, तो ये सारे के गुरु थे, और ऑफ कोर्स गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही बताया था कि आप राजा बनिए मौर्य समाज को, क्योंकि नंदा जो डायनेस्टी है वो इस लायक नहीं है, रिक्वेस्ट आया गया था अलेक्जेंडर को स्टॉप करने के लिए, इनको आशा था कि अलेक्जेंडर जो है इंडिया में एंट्री लेगा, और जब एंट्री लेगा काफी तहस नहस करेगा, काफी डिस्ट्रॉय करेगा, पूरे एरिया को बर्बाद करके रख दे, हो सकता है पूरे भारत पर वो राज कर ले। तो नंदा डायनेस्टी जब वो राज में जाते हैं तो नंदा डायनेस्टी के पास इतना कैपेसिटी नहीं था, वो अपने ही दुनिया में खोया होता। सो अब इसको एक ऐसा राजा चाहिए था कि पूरे भारत पर राज करने वाला है, तो चाणक्य को चुना गया, चाणक्य मूलभूत स्टार्टिंग ऑफ इतना। और अगर हम लोग जब भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं तो एक नाम हमेशा आता है, एक नाम वो है हमारा ग्रीक स्कॉलर मेडागास्कर, राइट। सो उनका जरूर मेगास्थनीस नाम इज मेगास्थनीस। सो ये राइटर जो है ये बेसिकली सेल्यूलस के यहाँ जो ग्रीक जो जैसे हमारे इंडिया में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राज है, तो उसी तरह से जो ग्रीक में है वो सेल्यूलस का राज था, अलेक्जेंडर के आसपास के इलाका वाला, अलेक्जेंडर के बाद में आता है वो नाम में। तो सेल्यूलस ने इनको भेजा था इस राज में, इन्होंने काफी समय बिताया था, इन्होंने पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के राज के बारे में लिखाया हुआ, उनकी बुक से हमें काफी कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। तो इनका एक बुक बड़ा फेमस बुक है, वो है इंडिका बुक। तो इंडिका बुक से पूरे हमारा सोसाइटी जो है उसके बारे में, जैसे मेगास्थनी ने पूरे चंद्रगुप्त मौर्य के सोसाइटी को 7 क्लासिफिकेशन में बांटा गया था, तो उन पूरा जिक किया गया है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, वहां पर एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, ट्रेड सिस्टम कैसा है। तो इस बुक में बेसिकली काफी कुछ बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये हमारे इंडिया का पहले ट्रेवलर थे जो इंडिया में आकर के इंडिया के बारे में लिखे थे। तो कुछ फैमिली ग्रुप देख लेते हैं मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, अशोक, ऑब्वियसली ये तीन नाम तो याद ही रखना है, वो तीनों का फैक्ट भी स्पेशली फॉर द अशोक का। एंड उसके बाद दशरथ, सांप्रीति, सुशील सुका, देव, रमन, सत्ताधवन और बृहद्रथ। ये
सेम चीज जब स्टार्टिंग होगा हरियाणा की डायनेस्टी जब होगा, मैम इसमें पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, जो इस बुक में लिखा हुआ है बस उसी के बारे में बात करेंगे। एसियन वगैरह सारा चीज अगर बात करने चालू कर दी है तो काफी सारा फैक्ट निकलता है, हर एक के बारे में फैक्ट निकलता है, पर जिस जो जो इस बुक में गाइडेंस दिया हुआ है बस उसी को मैं एक्सप्लेन करूँ। सो इस फिर डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बिंदुसारा को इसमें कोई मेंशन नहीं किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, लेकिन जाना आपको हर चीज के बारे में, बिंदुसारा ने क्या किया है, चंद्रगुप्त में क्या किया है, हर एक चीज के बारे में, क्योंकि अब कंपटीशन काफी है तो हर एक चीज में स्पेशली फॉर हिस्ट्री पोर्सन डीप से डीप में जा रहा है। सो इस बुक में ये फैक्ट बताया गया है कि जो हमारा अशोका का है, अशोका जो आज भी जो थ्री टाइगर का जो चिन्ह है अशोका या व्हील है, धर्म चक्र है, वो आज भी हम एज ए सिंबल के रूप में, देश के सिंबल के रूप में जानते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, स्पेशली जब आप एसआई बन रहे हो तो उसमें एक मार्क दिया हो रहेगा, तो वो जो मार्क है वो अशोका का सिंबल ही है। तो उसमें जब अशोका का जब पिलर वगैरह फाउंडेशन किया जाता है, जैसे वो पिलर जो है दिल्ली में शिफ्टेड कर दिया गया है, तो ये भी सवाल ये उठ सकता है कि उस पिलर को किसने शिफ्ट किया था, राइट। पर पहले फेमस कुछ अशोका का जो पिलर है वो कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो सांची सबसे फेमस है, सांची का जो पिलर है अशोका का वो है, सारनाथ का भी, वैशाली का भी, रामपुरा का भी, सांसिका का भी, और लौरी एंड नंदागिरी, ये लौरी एंड नंदागिरी जो है वेस्ट चंपारण में पड़ता है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो वैशाली हमारा हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, तो ये दो इलाका तो फेमस ही है, पाटलिपुत्रा से भी कुछ पाया गया था, लेकिन फेमस जो है हमारा यूपी सांची जो हो गया, सारनाथ हमारा यूपी जैसे पार्ट में हो गया स्टेट में, सांची जो एमपी में हो गया, तो उसी तरह से ये कुछ पिलर हैं जो अशोका का काफी नामी है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये पिलर अभी किस स्टेट में प्रेजेंट है, या फिर अशोका का पिलर चार ऑप्शन भी दे सकता है कि अशोका का पिलर कौन सा है कौन सा नहीं है, मोर देन वन ही होगा अगर ऑप्शन देगा तो। फिर श्रीलंका के बारे में इंडिकेशन दिया हो गया था कि उस समय जो है श्रीलंका का नाम, जैसे आज प्रेजेंट में हम लोग श्रीलंका कहते हैं, तो एशियन टाइम में हम लोग श्रीलंका को सिन्हाल द्वीप के नाम से जानते थे, फिर मॉडर्न आया जो ब्रिटिश आए या फिर मेडिवल आया उसमें साइलोन के नाम से जानते थे। तो श्रीलंका का जैसे हम लोग हिस्ट्री को तीन भाग में बांट दिए हैं, तो श्रीलंका का नाम भी एक तरह से देखा जाए तो तीन भाग में डिवाइडेड किया गया है, एक एशियन मान लो, मेडिवल मान लो, मॉडर्न मान लो। तो ये तीनों नाम जो है सिन्हाल द्वीप जो है सबसे ओल्डेस्ट नाम के जो द्वीप है नाम के जाना गया है, साइलोन जो है हमारा तुम्हारा पूरे मॉडर्न जो फिजिक्स खत्म हो जाएगा, या फिर जो हमारा मेन कारण जो था वो श्रीलंका ही था इन रीजन ऑफ अरब। जब मेडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ा जाएगा तो जो सिंध है हमारा वहां की लोकेशन से हो गया, सालन जो है उनका सिप जो है वो एक्वायर्ड कर लिया गया था कुछ लुटेरों के द्वारा, और फिर मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत ही मेडिवल हिस्ट्री का या अरब का इन्वेशन या गौरी का इन्वेशन वगैरह जितना भी इन्वेशन आएगा जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट था उस समय का, तो श्रीलंका है हमारा, इसी की वजह से सारे जो है वो इंडिया में आक्रमण कर लिए। अगर ये सारा फैक्चुअल नहीं होता, हालांकि हिस्ट्री में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हिस्ट्री इज फैक्ट है, वो बीत चुका है, राइट। सो साइलोन और श्रीलंका आज है हमारा नाम के बाद, ये सारा चीज है हम्बर टूटा वगैरह जितना भी है। और इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड का जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी था वो हमारा बिहार के नालंदा में ही है, और यहाँ पर ये आपको देखो देखो एशियन में पढ़ना है तो दो चीज तो एकदम पढ़ना पड़ेगा, पहला चीज जो है वो जो साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जितना भी साइट है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है एशियन में। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बन जाता है वो है महाजनपदास, राइट। कई बार सवाल महाजनपदास से सीधे पूछ सकते हैं क्योंकि ज्यादा महाजनपदास नहीं है, 16 गो है, आपको 16 को पूरा रटना होगा, 16 का कहाँ पर है, लोकेशन कौन सा है, साथ साथ उसका कैपिटल क्या है, यू मस्ट नो अबाउट द कैपिटल ऑफ दिस समथिंग। जैसे आज हम लोग बिहार के कैपिटल जानते हैं, यूपी का कैपिटल जानते हैं, तो उस समय आज जो हमारा 28 स्टेट है, 9 यूनियन एंड टेरिटरीज है, तो उस समय जो है 16 गो सिर्फ स्टेट था, तो ये 16 गो स्टेट जो बिग स्टेट महाजनपदास के नाम से जाना जाता है, तो उसका कोई कैपिटल भी होगा, सेम टू सेम स्टेट का कैपिटल बिहार का पटना हो गया, तो उसी तरह से उस टाइम भी थे एशियन में, तो वो और खासकर बिहार में तीन स्पेशल थे, तीन जैसे मगध हो गया, तो मगध तो सबको जानता है मगध के बारे में,
यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है कि क्या है और मॉडर्न लोकेशन क्या यहाँ पर है, साथ साथ ये भी दे रखा है कि उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा 16 का रीड कर लेता हूँ एक बार कि अंजा जो है हमारा वो अभी किस लोकेशन में है। अंजा को हम लोग भागलपुर जब जाओगे, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सॉरी मुंगेर एंड भागलपुर दोनों पास का ही है, बेगूसराय उससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन भागलपुर और मुंगेर जो है एकदम लास्ट पोर्शन जो हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है जो जहाँ पर भागलपुर में एंड होती है गंगा रिवर। सो ये उस एरिया को जो है मुंगेर और भागलपुर दोनों को ले लो तो उस एरिया को हम लोग अंगा के नाम से जानते थे, आज के नाम पर दोनों अलग अलग एक डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, पर उस समय एक पूरा एक राज जो है ना वहां पर एक राजा जो है ना वहां राज किया करते थे और उस राजा समझ लो कि एक तरह से अंगा नाम था एंड उस समय का जो कैपिटल है वो उस समय का चंपा कहलाता था। तो चंपा को आप चंपा चमेली से भी कैसे भी याद रखो, बस कि अंगा था चंपा ने क्या किया क्या नहीं किया बस याद रखना। और काशी तो सबको जानता है, बनारस को कहते हैं वत्सा, और वत्सा जो है वो हमें इलाहाबाद के, तो यूपी के भी तीन चार स्टेट हैं स्पेशली, तो सबसे ज्यादा अगर वहां जनपड़ा देखोगे तो यूपी का ही स्टेट में है क्योंकि यूपी बड़ा भी है, राजस्थान के बाद उसी का नंबर होता है, तो वहां से काफी है जैसे काशी हो गया, वत्सा हो गया, कोसाला हो गया, सुरसेना, तो ये सारा पार्ट जो है यूपी का ही है। तो सुरसेना मथुरा को कहते थे और वत्सा जो है इलाहाबाद को, कोसाला हमारा एक ईस्टर्न पार्ट में है यूपी, कोसाला जो है वो स्पेशली वहां पर अभी कोई प्रेजेंट नहीं है। कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, चेड़ी हो गया, अवंती हो गया, अवंती आज भी है, अवंती जो है ना उज्जैन है बेसिकली, तो उज्जैन का पहले वाला नाम जो था ना अवंती के नाम से जानते हैं, और ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती। गंधार ये तो फेमस है टक्सिला को भी क्योंकि ये हमारे चाणक्य जो थे वो गंधार के थे। खम्बुज, पौंज, अस्माका, वाजी, वैशाली के नाम से जो वाजी और माला, कुसी, नारा, देवार, तो ये पूरी टोटल जो है 16 को महाजन पड़ा जो उसके कैपिटल है। और प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, किस स्टेट में लोकेशन क्या है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान से देख लें इसे। फिर ये तो ओवरऑल हम एशियन की बात करते हैं, मेडिवल में बिहार के बारे में कुछ रहा ही नहीं, जैसे ही पाटलिपुत्र से शिफ्ट होता है दिल्ली में तो बिहार में फिर कुछ बच नहीं जाता है क्योंकि बिहार अपना नाम जो है ना वो गवा चुका रहता है मेडिवल आते हुए, मॉडर्न में भी आपको ज्यादा नहीं देखने को लगा। बस हाँ एक चीज जो है बिहार को फिर से लाने में जो होता है वो मुगल के टाइम पर फिर से थोड़ा सा नाम रोशन करने का होता है, वो है हमारा शेरशाह सूरी जो सासाराम के रहने वाले थे, वो फिर हुमायूं को हरा करके, हुमायूं को भगा करके या फिर हुमायूं को दिल्ली से शिफ्ट कर करके अपना वहां पर जब आए तो फिर ये बिहार का थोड़ा सा नाम हुआ कि हाँ चलो भाई कुछ कोई बिहार से आया राइट। लेकिन उसके पहले बाकी सारा चीज देखा जाए तो सारा खेल जो होगा वो तुम्हारा दिल्ली के साइड में ही हो जाएगा राइट। दिल्ली में जो भी होगा कि हम पूरे मेडिवल उठा के देख लो, पूरे दिल्ली के बारे में ही जानना है, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कैसे परिवर्तन हुआ, एक के बाद कौन सा आया, स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारा चीज कितना आया, मुगल में फिर कितना आया, बाकी सारा राज जैसे उस टाइम है ही नहीं, एक दिल्ली ही हमारा जो है ना सारा चीज है। और फिर मॉडर्न आते हैं तो मॉडर्न में तो फिर धीरे धीरे एक्वायर्ड बहुत सारा चीज आता है, फिर मराठा आ जाएगा, फिर उसके बाद सिख आ जाएंगे, बहुत सारे देश राज डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे बढ़ जाएंगे। मुगल के टूटने के बाद बहुत सारे राज जो है ना अपने अपने राजपूत घराने हो गया, जैसे राजपूत हमारा जितना भी राजस्थान राजपूत राजस्थान के नाम से ही जाना जाता है, तो ये बढ़ जाएंगे। फिर मॉडर्न आते हैं कि मेडिवल में बिहार के बारे में उतना कुछ है नहीं, आर्ट एंड कल्चर में देखा है, आर्ट एंड कल्चर में बलाई होगा, लेकिन हिस्ट्री फैक्ट से देखा जाए तो बिहार के फैक्ट से देखा जाए तो स्पेशली मेडिवल में कुछ नहीं बचता है। मॉडर्न में कुछ आते हैं जब गांधी जी आएंगे तो फिर उसके बाद जो जितना भी रेवोल्यूशन आएगा तो बिहारी जितने भी लोग हैं वो काफी बाकी स्टेट से एज कम्पेयर टू काफी पार्टिसिपेट लिया गया है मॉडर्न में देश के लिए। लेकिन अभी हम ब्रिटिश को ला रहे हैं, गांधी जी को लाने से पहले ब्रिटिश के बारे में देख लेते हैं कि कैसे एक्वायर किया गया इस पूरे भारत को ब्रिटिश ने, तो दो ही एक्वायर करने का दो ही ये था, एक तो वार करो एक ट्रीटी करो, वार करो ट्रीटी करो, बस यही एक रूल था सिंपल सा। सो उस समय हम पूरे भारत को अगर देखते हैं तो भारत कहां तक फैला हुआ था, तो अगर इस साइड देखते हैं तो ये
बर्मा तक फैला होता है। बर्मा आज ओके, और बर्मा आज इसके नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो अगर हम लोग वेस्ट साइड देखते हैं तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी हमारा पार्ट था, ईरान का जो है कुछ पार्ट था, बलूचिस्तान वगैरह सारा चीज जो है इंडिया का पार्ट था। और ब्रिटिश ने इसे तीन भाग में क्लासिफाइड कर दिया गया। पहला था बंगाल प्रोविजन, दूसरा बॉम्बे प्रोविजन एंड मद्रास प्रोविजन। सबसे बड़ा जो प्रोविजन था वो बंगाल ही था, पूरा दिल्ली वगैरह जितना भी आ जाता है वो बंगाल के अंदर में आता है बंगाल प्रोविजन से। तो पंजाब से लेकर पाकिस्तान, पंजाब, बर्मा तक ये सारा जितना भी एरिया है वो बंगाल प्रोविजन के अंदर में आता है। बॉम्बे प्रोविजन में उसके नीचे वाला जैसे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां से लेकर के गोवा तक ला, गोवा या कर्नाटक का कुछ हिस्से तक ला बॉम्बे वाला आता है बॉम्बे प्रोविजन। और जो मद्रास है पूरा साउथ को ले लो, पूरा साउथ मतलब केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सारा पार्ट जो आएगा वो मद्रास प्रोविजन में आएगा। तो पूरे इंडिया को जो है अंग्रेजों ने तीन भाग में बांटा गया था। तीन भाग मतलब कहने का मतलब तीन अलग अलग लोग थे राज करने के लिए। तो जो भी केस वगैरह होगा तो इस एरिया में आता है तो बंगाल में हेडेड होगा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का। तो तीन अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए थे, आज तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो लेकिन उस टाइम पर एक तरह से देखा जाए तो तीन सुप्रीम कोर्ट है इसके। अगर कोई बंगाल प्रोविजन में आता है तो बंगाल में वो बॉम्बे वाला एक्शन नहीं ले सकता, और बॉम्बे में है तो मद्रास वाला एक्शन नहीं ले सकता। तो तीन प्रोविजन थे तीनों का अपना अपना, लेकिन जो मेन हेड कर सकते हैं या डायरेक्ट जो पहला जो रूल एंड रेगुलेशन कोई भी लागू होगा वो था बंगाल प्रोविजन, क्योंकि सबसे पहले जो है एक तो बंगाल तो खुद ही अपना कैपिटल था। फिर देखा जाएगा तो जो ब्रिटिश आया था ब्रिटिश ने बंगाल से वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये बंगाल का ही प्रोविजन आया था। तो 1911 और 12 में ये वेस्ट बंगाल से ये शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली में कैपिटल। तो सारा चीज जो होगा दिल्ली में जब कैपिटल होगा तो वो उसमें वॉइस राइज आ जाएंगे तो पूरे ओवरऑल इंडिया पर। लेकिन जब तक वेस्ट बंगाल में है कैपिटल तो यहाँ पर तीन प्रोविजन होगा, मतलब तीन राज एक तरह से देखा जाए तो। पर जैसे ही वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा तो वो पूरे राज करेंगे, मतलब एक ही लोग जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट पे दिल्ली को इनऑर्गेनाइज किया जाएगा। दिल्ली में पूरा सारा चीज ये आसपास है, बिहार दिवस भी यहीं से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही दिल्ली में शिफ्ट होता है यहाँ से डिमांड अगला जो होगा जब पूरे हिस्ट्री देखो देखा जाएगा तो उसमें पूरा बिहार का जो होगा ये सारा चीज होगा। तो 1912 में जो है बंगाल जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है। तो अगर बिहार का पूरा अगर पार्टीशन देखेंगे कि कैसे बिहार अलग अलग हुआ कैसे हुआ था, तो सबसे पहले बिहार जो है स्टार्टिंग में क्या था बंगाल प्रोविजन के अंदर में था। तो सबसे पहले बंगाल को दो भाग में बांटा गया, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल। तो 1900 आसपास के बाद में जब बंगाल को बांटा जा रहा था, जो पार्टीशन हो जा रहा था कि बंगाल पार्टीशन करना है, तो 1905 के आसपास में तो पहला तो भाग ईस्ट बंगाल में कन्वर्ट होने वाला था, जिसको हिंदू मुस्लिम के रूप में दिया जा रहा था कि चलो भाई इसको रूल एंड डिवाइड एंड रूल ये किया जाता था। 1905 में ईस्ट बंगाल को अलग किया गया, वेस्ट बंगाल को अलग किया। अब इसको और छोटा बनाना है तो 1912 आ गया। 1912 आता है तो बिहार जब डिमांड आ ही रहा था कि चलो भाई बिहार को अलग दो, तो डिमांड आने के बाद 1912 में क्या किया गया कि बिहार झारखंड तो अब बना है, लेकिन उसमें बिहार और उड़ीसा ये पूरे जो थे वो बिहार के अंदर में आते थे, उड़ीसा का नाम नहीं था बस बिहार में ही आते थे ये सारा चीज। फिर 35 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। तो 1935 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। एंड फिर 1956 आया जब आजादी वगैरह मिल गया। तो अब सारी आजादी करने के बाद क्या हो रहा है कि लैंग्वेस्टिक बेस पर सारे स्टेट को बांटा जा रहा है। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर कुछ बंगाली लोग भी थे जो बंगाली जानते थे, तो इसलिए उसको अलग करने के लिए 1956 में उनको अलग कर दिया गया। 1956 के बाद जब पूर्णिया अलग हो गया तो लास्ट एक और टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा बिहार को बीच इक्वलिटी पार्ट में बांटना। तो ये हमारा झारखंड जो है यहाँ से 2000 में अलग हो जाएगा बिहार से। तो फाइनली आज का जो बिहार है ये इतने पार्टीशन के बाद में 1905, 1912, 1935, 1956 एंड 2000 के बाद जो है ये फाइनली ये आज का बिहार में है।
और आज बिहार इतना छोटा हो गया कि 38 डिस्ट्रिक्ट ही बच गया, पर 38 पर झारखंड के 18 में थे, तो उसके 45% जो हमारा हिस्सा जो है वो झारखंड में चला गया, तो 55% जो है। और झारखंड में जाने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया बिहार के पास कि कोई मिनरल्स रिसोर्स नहीं बच गया, तो जितना भी मिनरल्स रिसोर्स था जो पहले जो है झारखंड जब तगड़ा था उसमें ये बोला जा रहा था कि हमारे पास काफी रिसोर्स हैं, हम लोग काफी यूज कर सकते हैं, बिहार को काफी डेवलपमेंट मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है। पर प्रॉब्लम क्या था कि जहां से वो कहा जाता है ना कि आप उससे ले रहे हो माल, उसी को नहीं कुछ दे रहे हो कुछ पैसा वगैरह, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को सप्लाई कर देगा। बस वही हो रहा था, बिहार झारखंड से सारा चीज तो ला रहा है बिहार में, राइट, इधर तो डेवलपमेंट में हो रहा है, पर बिहार झारखंड वाला एरिया जो है वो पूरा वैसे ही वैसे ही रह गया। झारखंड जब 2000 में पार्टीशन आया तो प्राइम मिनरल्स के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा डेवलपमेंट हुआ है एज कम्पेयर टू जब तक लाते हैं गांधी जीरा। फिर डायरेक्ट आते हैं कि हम सारा चीज फैक्ट देख रहे हैं बिहार के बारे में, तो बिहार के बारे में अब जब मॉडर्न आ जाएगा तो 1857 ये सारा चीज अगर ले जाते हैं तो गांधी एरिया में सबसे पहला जो है गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह चलाया गया था, सिविल डिसऑबिडियंस, तो ये बिहार से ही चंपारण में स्टार्ट किया था 1970 में। तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार जो चंपारण है जो कौन सा फार्मिंग होता था, गांधी जी को किसने इनवाइट किया चंपारण आने के लिए, उस समय गांधी जी का जो फर्स्ट, बेसिकली यही तो चीज बिहार चंपारण से अगर बेसिकली अगर कॉमन चीज पूछा जाए तो इससे कई बार यही सवाल पूछा गया है कि किसने इनवाइट किया था चंपारण के, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था 1950-70 में, तो जब ये मोतिहारी आए थे चंपारण के तो इन्होंने सर्वे किया था 7000 का लगभग सर्वे हुआ था, जिसमें से फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि हाँ इंडिगो जो है 2/3 में होता था, 2/3 में नहीं 3/20 में होता था एग्रीकल्चर। पर इसमें एक चीज और है कि अगर पूछ दिया जाए कि गांधी जी ने पहला सिविल डिसऑबिडियंस कब स्टार्ट किया था, तो ये तो इंडिया में सिविल डिसऑबिडियंस जो है वो स्टार्ट किया गया गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण से पहला सत्याग्रह। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे गांधी जी का लाइफ में देखा जाए तो जब वो अफ्रीका साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने स्टार्ट किया था 1893 में, जब सिविल डिसऑबिडियंस स्टार्ट किया था, बस वही काले गोरे को लेकर के इनको ट्रेन से निकाल दिया गया, फर्स्ट एसी में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, तो इन्होंने चालू किया, इन्होंने बताया कि ऐसा रूल जो होना चाहिए वो सबके लिए इक्वल है, टिकट मेरे पास ऑलरेडी है तो सारा चीज का फैसिलिटी भी इक्वल मिलना चाहिए था, तो इन्होंने इसी स्टार्ट किया था। ये ओवरऑल बिहार का जो है हिस्ट्री का पोर्शन, अब देखते हैं थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन से क्या क्या फैक्ट निकलता है इस बुक में। तो सबसे पहले आपको पूरा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 38 हमारे, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट मैप के द्वारा वो याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये पूरा एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट के बगल में ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर में ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके नीचे में डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट किससे बॉर्डर शेयर करता है, किस डिस्ट्रिक्ट से गंगा निकलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या फैक्ट है, हर एक फैक्ट को भी पता होना चाहिए। तो मैं ये पूरा जो 38 डिस्ट्रिक्ट है थोड़ा सा मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ कि इतने फटाफट ये सारा चीज डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के बॉर्डर से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण होगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली है 7, तो 7 जो है नेपाल से टच करता है बिहार का। तो शिवहर जो है वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पर वो नेपाल से वो टच नहीं करते हैं। अगर यूपी के साइड देखा जाए तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया और कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो गया। झारखंड से देखा जाए तो कैमूर होता है, औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, बांका एंड वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट पास करता है, एक है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। भागलपुर जो है जो है तो झारखंड वाला एरिया से ही निकल जाता है। तो 7-7 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, इस तरह से सारा चीज जो है, बीच वाला भी आपको देखना होगा, स्पेशली अब बिहार से हो राइट, तो मुझे लगता है कि 50% तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद ही होगा अगर बिहार से हो, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो आसपास की डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो सबको पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आई एम फ्रॉम गया, सो मुझे गया के आसपास तो पता ही होगा,
गया के आसपास कौन कौन सा है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, पटना है, नालंदा है, नवादा है, शेखपुरा है, रोहतास है, कैमूर है। चाहे आप रोडवेज जा रहे हो या फिर रेलवे, कोई भी रूट हो, तो इतना तो बिहार का इतना डिस्ट्रिक्ट है नहीं। जो है प्रॉब्लम यहाँ होता है कि अगर आप बिहार जो है दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक नॉर्थन पार्ट एक हो गया साउथन बिहार। तो अगर नॉर्थन साइड वाला से पूछ लिया जाए कि साउथन बिहार में क्या क्या है, तो वो फैक्ट नहीं जान पाएगा, राइट, कि साउथ बिहार में क्या हो रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वहां पर आ रहा है, वो पालीगंज आ रहा है, ये हो रहा है। बेसिकली नॉर्थन बिहार वाले नॉर्थ में ही अपने सारा चीज जो है वो डेवलप, अगर उधर सारा चीज फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो साउथन बिहार में आना नहीं चाहते। तो हमारा जो है पूरा एग्रो, बिहार जो है पूरा डिपेंडेड है एग्रो। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वगैरह है कि आप मुगल सराय मुजफ्फरपुर से आप गए आते हो कुछ सामान लेने के लिए, नहीं, वो सारा फैसिलिटी मुजफ्फरपुर वाला तो उसी तरफ से मिल जाता है। दूसरा चीज है कि बिहार में भी काफी सारा लैंग्वेज है, तो कॉमनली लैंग्वेज जो है जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, दरभंगिया हो गया, जिसको मैथिली वगैरह सारा के नाम से जानते हैं। तो फैक्ट नहीं जान पाना के कारण ये भी हो सकता है कि ये रूट एक तो ऐसे ही कट गया गंगा रिवर के कारण। पर सारा फैक्ट याद रखना चाहिए, सारा चीज कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके बगल में है। स्पेशली आप इस मैप को ही पूरे देख लीजिए, अगर मैप याद हो जाएगा तो फटाफट पता चल जाएगा कि ये है। और अगर उसके आसपास भी जैसे हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो जैसे ही हम लोग रोहतास के बारे में बात करते हैं या फिर डेरी ऑन सोन सासाराम जैसी ये बात आता है, तुरंत सीमेंट हमें याद हो जाता है कि यहाँ पूरा का पूरा जो है सीमेंट का फैक्ट्री है, राइट। तो इंडस्ट्रियल फैक्टर एक कैसे भी होता है। और पूरे अगर नॉर्थ बिहार के बारे में पूरा बात करते हैं तो मिडल्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो जो बचा हुआ है मिडल्स जो भी है तो वो झारखंड से जो टच है, झारखंड से जो लगे हुए हैं स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिहार का, उसी में कुछ पाया जाता है। जैसे कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, ये गया हो गया, तो गया में जैसे यूरेनियम पाया जाता है, कुछ ही स्टेट है। तो मिनरल्स के बारे में इतना डीप भी नहीं है, छोटा सा ही है, चार पांच ही है लैंडस्लाइड वगैरह मिनरल्स में देखा जाए तो। ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सेंसस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू 2011 का। तो बिहार का भी सेंसस याद रखना चाहिए और साथ ही साथ इंडिया का तो सेंसस आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये ऐसा ही है, बिहार फैक्ट काफी कम पूछता है। बीपीएससी आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिहार फैक्ट वो देखो, पर अगर ऐसा ही देखना है, राइट, तो इंडिया का फैक्ट याद रखना चाहिए। तो सेंसस हम दोनों का एक्सप्लेन साथ में देखेंगे, बिहार का भी सेंसस देखेंगे और इंडिया का भी सेंसस देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सारा चीज याद आएंगे। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बात कर लेते हैं कि लैटिट्यूड हमारा कितना है। तो इस मैप में मैंने क्लियर देखा दिया है कि बिहार कहाँ पर सिचुएटेड है, किस एंगल के साथ देखा हुआ है कि कितना कितना जो है हमारा एंगल है। तो बिहार का बात करते हैं तो 24 आवर याद रखना है कि जो लैटिट्यूड है 24 आवर है, राइट, हमारा जो है 24 से 27 के बीच में लाइज करता है। और इंडिया का अगर लैटिट्यूड देखा जाए तो 8.4 से 37.6, अगर इंडिया का याद रखना है तो ये पॉइंट नहीं है, ये डिग्री कहते हैं, 8 degree 4 second minute ऐसे चलता है, मिनट के बाद सेकंड चलता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट देके एक्सप्लेन किया है कि 8.4 का मतलब आप समझिएगा 8 degree है एंड 4 minute जो होता है उसके बाद सेकंड होता है, तो ये डबल डैश हो जाएगा तो वो मिनट के थ्रू, और एक सिंगल डैश हो जाएगा वो सेकंड के। जैसे हावर जो होता है घड़ी का क्लॉक होता है, सेकंड मिनट हावर्स सेम टू सेम, इसी तरह से ये भी जो रिटर्न फॉर्म जो है इसका लिखने का एंगल का भी इसी तरह से लिखाता है। तो लोकेशन जब भी डिफाइन करना हो, तो किसी भी पूरे वर्ल्ड का कोई भी लोकेशन डिवाइड करना हो, तो आपको दो ही चीज, जैसे हमारा गूगल मैप जो है वो दो ही चीज पर काम करता है, एक तो लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। क्या है उसका लैटिट्यूड, क्या है उसका लॉन्गिट्यूड, ये दो चीज पता है तो आपका दुनिया का सारा लोकेशन जो होगा वो पता हो जाएगा। गूगल मैप में भी आप जब सर्च मारोगे कोई भी, तो नीचे में एक छोटा सा एक ब्लैंकिंग पेज में आएगा, लैटिट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है। तो अगर आप वो भी याद रखते हो कि हाँ चलो ये लैटिट्यूड है वो लॉन्गिट्यूड है, तो गूगल में आप सर्च मार सकते हो ये लैटिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड में कौन सा लोकेशन क्या होगा, तो एग्जैक्ट आपका घर पता चल जाएगा, एग्जैक्ट शॉप पता चल जाएगा। और गूगल मैप जो है वो इसी बेसिस पर वर्क करता है। तो हमारा सेंसस बात करें तो बिहार सेंसस 2011 और इंडियन सेंसस को कंपेयर करके चलेंगे, तो दोनों चीज याद रखना है। और लॉन्गिट्यूड अगर देखना है तो 83 to 88 और 68 degree 7
और 97 डिग्री 25, तो ये बिहार का हो गया, ये हो गया इंडिया का। टोटल एरिया हम लोग कंपेयर किया जाए पूरे टोटल एरिया, तो एरिया पूरे इंडिया का बात करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर उसी बिहार का एरिया बात करते हैं तो 94,163 मिलियंस में ही सारा चीज हम कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर स्क्वायर में, और किलोमीटर स्क्वायर में ही डिवाइड करेंगे। अगर एवरेज मैक्सिमम हाइट बोला जाए, राइट, आप कभी भी किसी भी स्टेशन पर जाओगे तो उस पर लिखा होगा कि सी लेवल से इसका हाइट इतना है, उसका हाइट इतना है, राइट, सबका डिफरेंस होता है, इसका हाइट इतना होता है, किसी का कम होता है किसी का। तो बिहार में सबसे सी लेवल का जो हाईएस्ट हाइट जो है सी लेवल से, जो लैंड का मैं बात कर रहा हूँ ना कि माउंटेन का, तो बिहार का जो सबसे हाईएस्ट एवरेज सी लेवल जो है 173 है, तो 173 के आसपास ही होगा आपके जितने भी होगा, उसके 140 होगा, 150 होगा, तो हाईएस्ट सी लेवल जो होगा उसके वो हाईएस्ट लेता है। फॉर सी लेवल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही समझो कि जब आप ओशियन के पास में हो, राइट, मरीना बीच चल जाओ चेन्नई में, या मुंबई का पोर्ट देख लो, वहां पर चल जाओ, तो वहां पर वहां से जो होता है ना, अब उस हाइट से वो जीरो हो गया, वो सी लेवल जो है ना वो जीरो हो गया, उस हाइट से कितना ऊंचा है उसी को हम लोग कहते हैं सी लेवल। इसका मतलब ये मत चल जाना कि नीचे चल जाओ ओशियन के अंदर में, अब उसको मीटर से नापो, ऐसा नहीं होता है। सी लेवल के मतलब अंडरग्राउंड से नहीं लेना है, सी लेवल का मतलब सी से कितना लेवल है उसका हाइट जो है। तो जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर, जैसे फॉर मैं एग्जांपल में ये बता देता हूँ कि अगर ट्रेन में जो है, ट्रेन में दो लाइन होता है, एक अपलाइन होता है, एक डाउनलाइन होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सा लाइन अपलाइन है, कौन सा लाइन डाउनलाइन है। तो जब भी मैप देखोगे, इंडिया का मैप देखोगे, तो हिमालय यानी कि नॉर्थ साइड जो भी जाएगा तो वो अपलाइन होगा। जैसे मुझे दिल्ली से पटना जाना है या फिर पटना से दिल्ली जाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं दिल्ली से जा रहा हूँ पटना, राइट, तो वो अप में जा रहा हूँ या डाउन में जा रहा हूँ। तो मैप देख लो ना, जब भी अगर आप नीचे की ओर आते हो तो वो डाउन हो जाएगा, डाउन लाइन में जा रहे हो, राइट, यानी कि दिल्ली से अगर तुम पटना जाना चाहते हो तो वो डाउन लाइन हो गया। लेकिन अगर पटना से दिल्ली जाना है तो वो अपलाइन में जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली से शिफ्ट होगा वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगा। यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये बनता है कि जितने समुद्र तल से जितना दूरी है उसका हाइट बढ़ते जाता है, वो लैंड का जो है ना, तो अपलाइन में हो जाएगा, अपलाइन डाउनलाइन जैसे होता है। तो ये सी लेवल जो है हमारा बिहार का जो है मैक्सिमम, और सोमेश्वर नाम सुने होंगे जो सबसे जो ज्यादा है। तो सी लेवल हमने बताया कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे, यानी कि ऊपर में नेपाल की ओर, यानी कि नेपाल में कहां पर, नेपाल में वेस्ट चंपारण जाओगे तो वेस्ट चंपारण का सबसे ज्यादा सी लेवल होगा, राइट, औरंगाबाद रहना है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट रहना है, पटना डिस्ट्रिक्ट रहना है, तो इस सबका सी लेवल थोड़ा कम होगा। पर अगर हम लोग नॉर्थन बिहार की ओर जाते हैं वैसे जैसे सी लेवल जो है हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया सी लेवल का कंसेप्ट है। और अगर एवरेज रेनफॉल देखना है, मतलब बारिश कितना साल में जो है एवरेज कितना दिन तक बारिश होता है, तो ये हमारा 52 यानी कि लगभग दो मंथ से कम है, एक वीक अप्रोक्सीमेटली, सो 8 से 9 दिन कम होता है बारिश, यानी कि 52 डेज जो है वो डिफाइंड कर दिया गया है कि एवरेज बारिश होता है। और पूरा अगर इंडिया का देखा जाए एवरेज बारिश जो है वो 50 का, तो मैक्सिमम बारिश जो होगा भी ना पूरा वो 2 मंथ तक लाइन रहेगा, 2 मंथ से तीसरा मंथ में नहीं जा सकता है। तो अगर किसी दिन हो गया, जैसे 2019 का काफी हाईएस्ट रेनफॉल रहा, उसके 2018 में काफी लोएस्ट रेनफॉल था बिहार का, तो 2009 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मैक्सिमम दो मंथ ही रहेगा रेनफॉल। पॉपुलेशन देख लेते हैं दोनों का, तो पॉपुलेशन में तो आपको इंडिया का तो पॉपुलेशन याद ही होगा, क्योंकि कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कई बार पॉपुलेशन के बारे में जिक्र किया है, 25 करोड़ के पॉपुलेशन है हमारा पूरे वर्ल्ड में, 25 करोड़ का पॉपुलेशन है। तो सेंसस के मुताबिक 122 है, पर आज अगर करेंट में अगर हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं तो 130 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो कुछ ही वक्त रुक जाओ फिर तो चाइना भी पीछे हो जाएगा उम्मीद है। पर अगर इंडिया का, ये तो हो गया हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 122 करोड़ राइट, इसमें से बिहार का अगर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 देखते हैं तो ये 10 करोड़ के आसपास का है। तो आपको पूरा डिटेल याद रखना होगा, 10:38:04:637 ये पूरा डाटा जो है ना वो एग्जैक्ट बीपीएससी अगर प्रिपरेशन हो रहा है तो, लेकिन अगर इसमें देखना है तो 10 के आसपास भी याद रखोगे, 10:38 याद रखोगे तो इतना से काम चल जाएगा। अब कितना परसेंट है पॉपुलेशन, बिहार जो है ना पूरे इंडिया के कितना परसेंट पॉपुलेशन केयर करता है,
बिहार जो है साढ़े मतलब लगभग 18% बिहार में पॉपुलेशन है टोटल। और बिहार के बारे में एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि बिहार का जो सबसे मैक्सिमम जो है ना युवा वर्ग है पूरे वर्ल्ड का, राइट, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है यानी कि 18 के आसपास एज, 15 के आठ आसपास एज जो है ना वो सबसे ज्यादा बिहार में ही है। और इंडिया का अगर बात किया जाए तो हमारा पूरे वर्ल्ड का भी सेम ही है 17 पॉइंट, तो 17 ही याद रख लोगे दोनों का तो काम चल जाएगा। तो इंडिया का भी 17 है, इंडिया का 17 यानी कि कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है 17% जो है आबादी जो है इंडिया में है, उसी तरह से इंडिया का 17% जो है आबादी जो है वो बिहार में है। तो ये दोनों फैक्टर 17-17 है तो इसलिए याद हो जाएगा पॉपुलेशन में अगर परसेंटेज में देखा जाए तो। लिटरेसी रेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार का जो एवरेज जो है लिटरेसी रेट, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है 53, 63, 73 ऐसे याद रख लो, कॉमनली है बस 10-10 का गैप है। 53 का मतलब हो गया फीमेल, 63 एवरेज माना जाता है क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में होता है तो एवरेज में ले लो। और मेल का अगर देखा जाए तो 73 है, राइट। और अगर डिस्ट्रिक्ट का बात किया जाए कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है पढ़े लिखे लोग जो है बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो रोहतास जो है ना सबसे नंबर वन पर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सबसे पुअर अगर बोल दिया जाए तो पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। और उसी तरह से इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा केरला में है, 93% जो है केरला के लोग जो है वो एडुकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लिटरेसी रेट होता क्या है। तो लिटरेसी रेट उसे कहते हैं जो 7 साल की उम्र में हो और साथ ही साथ लिखना पढ़ना जानता हो, उसी को हम लोग लिटरेट में कहलाते हैं, वो लिटरेट पर्सन कहलाता है। यानी कि पढ़ना लिखना आता हो, बोलना तो सबको आता है पर पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये कंपलसरी है लिटरेस पर्सन बनने के लिए। और अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 74, 82, 65, राइट। बिहार का ग्रोथ रेट जो है सबसे ज्यादा है, 25% है, और ये एवरेज जो हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है इंडिया का उससे भी काफी ज्यादा है। बिहार का 25% हो गया, इंडिया तो 17 ही है, तो इंडिया हर चीज में 17 ही लेके चलता है कि भाई 17 के आसपास रहो तो ठीक है, लेकिन बिहार का जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ रेट है वो 25 है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट का अगर ये बोला जाए तो मधेपुरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है हमारे यानी कि वहां के पॉपुलेशन काफी कम तेजी से बढ़ रहा है वो है गोपालगंज। तो माधेपुरा और गोपालगंज दोनों नॉर्थ बिहार में ही है। और अगर सेम टू सेम अगर इंडिया से कंपेयर करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है पॉपुलेशन में। हम बिहार बिहार के बारे में एक चीज है, पॉपुलेशन में इतना जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है पर बाकी सारा चीज में ग्रोथ देखा जाए तो बिहार सबसे पुअर है। लिटरेसी में देख लो सबसे पुअर बिहार ही है, राइट। और ग्रोथ में लेकिन हम सबसे आगे रहते हैं, राइट है। हमें बच्चे पैदा करने में बड़ा संतुष्टि मिलता है, बड़ा फटाफट ग्रोथ रेट हो रहा है। और सबसे ग्रोथ रेट अगर देखा जाए सबसे कम जो है ना वो नागालैंड का है। फिर डेंसिटी पॉपुलेशन देख लेते हैं, पूरे डेंसिटी पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम कितना है बिहार का तो 1106 है। और इंडिया का अगर देखा जाए तो 70+17 फिर से वही 17। तो 17 आपको याद रख लेना है, चाहे वो डेंसिटी पॉपुलेशन में हो, चाहे वो ग्रोथ रेट में हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, सारा चीज 17। इंडिया के बारे में बोला जाए पॉपुलेशन से अगर लेना जाए तो 70% इसका फेवरेट है। हाईएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवहर है। हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, पहले जाऊंगा। डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि एक तो डेंसिटी का मतलब होता है सिंपल सा एरिया, मतलब एरिया छोटा में ज्यादा ज्यादा लोग रहे उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन। तो हमारा बिहार का जो है डेंसिटी पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा जो है वो शिवहर का होता है। एक तो सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर और पॉपुलेशन काफी है, राइट, यानी कि आसपास में ही वहां पर देखोगे ह्यूज पॉपुलेशन मिलेगा छोटा सा एरिया में ही, मतलब आसपास ही सब लोग रहना पसंद करते हैं ऐसा समझ लो। और अगर पूरा इंडिया से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी भी बिहार का ही है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार का ही है। और ये सब मामले में बिहार आ गया, ये सब में तो काफी आ गया। लोएस्ट डेंसिटी अगर हम लोग कहा जाए तो वो है कैमूर। कैमूर में क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली कैमूर का अगर बात किया जाए, कैमूर हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया, ये सब कुछ एरिया जो है ना वो नेचुरल एरिया है,
ह्यूमन के लिए, इसलिए जहां पर नेचुरल होगा वहां पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम रहेगा। तो कैमूर हमारा सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला है। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश काफी बड़ा है लेकिन वहां के पॉपुलेशन जो है ना सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक तो हाफ एरिया जो है वो कवर है, पूरा हिली माउंटेन से कवर है, राइट। और दूसरी लोग है कि वो एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वैसे भी काफी कम डेवलपमेंट है, और जहां कम डेवलपमेंट होगा वहां पर पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली कम ही रहेगा। मोस्ट पॉपुलेशन जो है हमारा, मोस्ट पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, और लिस्ट पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट है वो शेखपुरा में काफी कम रहते हैं। और अगर पूरे इंडिया से बात किया जाए कि सबसे कम पॉपुलेशन कौन सा स्टेट है तो वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम छोटा भी है और पॉपुलेशन भी वहां के कम है, वही फैक्ट सिंपल सर, वही हिली इलाका के कारण, क्योंकि वो रिजिड इलाका है, सब रहना चाहता है कहाँ पर, डेंस इलाका में रहना चाहते हैं, डेंसली पॉपुलेशन इलाका में रहना चाहते हैं। और लोएस्ट हमारा, अब सेक्स रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है पहले ये जानो कि 1000 पर्सन पर कितनी फीमेल नंबर ऑफ है, राइट। सो अगर सेक्स रेशियो की बात करते हैं बिहार के लिए तो 1916 जो है हमारा है, और अगर ओवरऑल देख दिया जाए तो 940 है, ये सब मामले में हम पीछे रहते हैं। 940 है पूरे इंडिया का, इतना भी नहीं है हमारे पास, 916 ही है सिर्फ, 940 जो है पूरे इंडिया का है। और हाईएस्ट अगर देख लिया जाए तो हाईएस्ट हाँ गोपालगंज ने रिकॉर्ड बनाया है, ये अच्छा है की बात है कि जो इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा 1000 के लगभग है गोपालगंज का। सो गोपालगंज सबसे ज्यादा वहां पर गर्ल्स पाई जाती है, लड़कों से भी ज्यादा, राइट, 1000 से भी प्लस है। तो गोपालगंज में काफी ह्यूज पॉपुलेशन है गर्ल्स का। एंड सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए तो मुंगेर और भागलपुर, ये सबसे लोएस्ट है। उसी तरह से अगर इंडिया में बात करते हैं तो हरियाणा एक ऐसा जगह है कि हरियाणा में काफी कम पॉपुलेशन गर्ल्स का है, क्योंकि वही है जाट के कारण काफी लड़कियों को मार दिया गया, लेकिन अब बदल रहा है, लेकिन बदलने में भी तो काफी उसको टाइम लगेगा, लेकिन अब कुछ हो रहा है। सॉइल के बारे में देख लेते हैं कि बिहार के पास कौन कौन सा सॉइल पाया जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो बिहार का जो सॉइल है वो अल्यूवियल सॉइल है हमारा, लेकिन कुछ पार्ट में जो नॉर्थन पार्ट है जो नेपाल से बॉर्डर है उस पर दो तरह का और सॉइल पाया जाता है। एक जो है पेडमोंट स्वीप सॉइल, ये वेस्टर्न चंपारण में, यहाँ पर ये बेसिकली किस टाइप का सॉइल है, ठीक है। अलुवियल सॉइल तो हम समझ गए कि भाई गंगा का किनारे है, प्लेन एरिया है, इसलिए अलुवियल सॉइल पाया जाता है। लेकिन पेडमोंट जो सॉइल है वो जो होता है वो इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहां पर काफी मॉइस्ट होता है, वहां पर नमी काफी है, वहां पर बारिश, वहां पर पानी का फैसिलिटी काफी है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से नेपाल पर छोड़ा जाता है, और ये ग्रासलैंड एरिया होता है यहाँ पर। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पे प्रेजेंट है, जो कि गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि 800 एकड़ में ग्रासलैंड एरिया इसको डेवलप करना है, इस एरिया को, जहां पर ये जो पूरा वेस्ट चंपारण का जो इलाका है, ये जितना भी सॉइल यहाँ पर है पेडमोंट सॉइल, और एक जो है तराई सॉइल होता है, तराई सॉइल भी हमारा जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है वो सॉइल होता है, कि नेपाल से जो भी बॉर्डर शेयर करेगा वहां तक वो जो है ना वो अलुवियल सॉइल वहां एक्सपेंड नहीं हुआ है वो, उसके क्योंकि वो हाइट काफी हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट में हो जाता है। तो सोमेश्वर जो हमारा जो हाईएस्ट पीक है हमारा बिहार का, वो एरिया में पेडमन जो वेस्ट चंपारण है वहीं पर है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के पास में ही है। तो ये चीज भी तराई का मतलब ये होता है कि नेपाल से जहां भी देख लोगे तराई जो है कैनाल भी डेवलप किया जा रहा है, कोयल कोसी रिवर को कंट्रोल करने के लिए जितना भी प्रोजेक्ट वगैरह हमारा रहा सब तराई से कनेक्टेड है, क्योंकि कोसी रिवर जितना भी आ रहा है एक तरह से सैरो रिवर ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। स्पेशली क्लाइमेट देख लेते हैं, क्लाइमेट में सबसे पहले हमारा जो है क्लाइमेट वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, यानी कि पूरा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड है, अगर मानसून नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर भी यहाँ का बोला जाता है कि सही नहीं होगा, राइट। अगर मानसून सही रहा तो एग्रीकल्चर भी काफी होता है, क्योंकि अभी भी इतना सारा चीज टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बिहार जो है ना अभी ट्रेडिशनल पर ही
है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होता है उस पर डेवलप नहीं कर पाया, काफी पीछे है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि हमारा अगर बात किया जाए लैंड के बारे में तो मैक्सिमम है हमारे पास, लैंड तो काफी अवेलेबल है, पूरा का पूरा जंगल काट करके लैंडे बना दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए बना दिया गया, पर उस जितना लैंड अवेलेबल है उतना वो कैपेबल जो होना चाहिए, जो एग्रीकल्चर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा आज भी ट्रेंड जो चल रहा है वो पीछे वाले ही है, और ये ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होता था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर होता था। अब समझो कि इतना साल होने के बाद भी वो मॉनसून पर डिपेंड रहना, जबकि हमारे पास सारा चीज फैसिलिटी होने के बाद भी, कुछ गवर्नमेंट का भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों का भी बोल सकते हैं कि वो इस पैटर्न को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ग्राउंड वाटर का यूज करके भी एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो काफी सब्सिडी वगैरह पंपिंग के लिए प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोवाइड कर रही है, सोलर पैनल है, काफी सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, पर नॉलेज के कारण या फिर वो जितना प्रोवाइड करना चाहिए वो भी गवर्नमेंट को भी कुछ करेंगे और कुछ लोगों का भी। अब क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा जो बिहार है बेसिकली किस रीजन में है। रीजन देखा जाए तो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल उस रीजन को कहते हैं जहां पर हॉटेस्ट थोड़ा होता है, और सब ट्रॉपिकल जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वहां पर कूलेस्ट हो जाएगा। जैसे हमारा हिमालय वाला एरिया जो है पूरा नेपाल से बॉर्डर होता है, वहां पर थोड़ा ठंडा इलाका दिखेगा, और ये वाला जो हमारा साउथर्न बिहार जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में हो गया। तो एक तरफ से साउथ बिहार को हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में बोल दिया जाए तो सब ट्रॉपिकल एरिया जो हमारा होगा नॉर्थ बिहार हो जाएगा। तो दोनों तरह से रीजन हो गया, एक तो ट्रॉपिकल भी है सब ट्रॉपिकल भी है, और सब ट्रॉपिकल का रीजन मैंने बता दिया कि हिमालय की वजह से, और ट्रॉपिकल का रीजन भी बता दिया क्योंकि नीचे से आता है, उसके द्वारा जो है ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो होता है हमारे पास जो किया जाता है, ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो है वो वेस्ट बंगाल से भी पास होकर निकलता है, इस वजह से भी उसके नजदीक में भी है वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा, इसलिए हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में भी आ सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो होता है ना वो नॉर्मल कंडीशन में 30-40 डिग्री हो जाएगा, और सब ट्रॉपिकल में जैसे हम लोग जाते हैं वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है समर सीजन में भी। सीजन का बात कर लेते हैं तो अगर जो बिहार से स्पेशली हो गए तो पूरा सीजन इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, सीजन तो ऑलरेडी सबको पता होगा कि विंटर कब आता है, समर कब आता है, रेन कब आता है, स्प्रिंग कब होता है, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है उसके मुताबिक अगर हम लोग चलते हैं तो जनवरी से फरवरी स्प्रिंग कहलाते हैं। स्प्रिंग मतलब यहाँ पर रवि का फसल जो होता है, रवि खरीफ और जैवी, तो ये जबी वाला जो फसल है वो स्प्रिंग सीजन में उगाया जाता है, ठीक है, और कटने का टाइमिंग भी फरवरी मार्च तक लाया जाता है, तो ये है कटने का। फिर जैसे समर आता है तो जैसे ही मार्च वगैरह आना चालू हो जाएगा गर्मी चालू हो जाता है, तो मार्च से मई तक डिसाइड किया गया है, और डिग्री तो बताने की जरूरत नहीं है कि कितना डिग्री तक पहुंच जाता है कितना तक कम होता है, तो जैसे जैसे बढ़ता है तो 20 से लेकर 40 डिग्री तक हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, लेकिन बुक में 35 ही मिलती है, तो ये सब पूछेगा मैं नहीं, लेकिन कॉमनली याद रखने के लिए जानने के लिए कि रेनिंग कब आता है, बारिश होता है जून से चालू हो जाता है सितंबर तक मैक्सिमम रहता है, लेकिन अब जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है सारा चीज वो बिहार भी झेल रहा है, उसमें से बिहार में भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है। लेकिन कुछ वर्षों पहले ये रूल था, ये ऐसा ही था कि जून जुलाई सितंबर तक रहते और सितंबर रहते रहते जो है वो आपका बारिश खत्म हो जा रहा है, लेकिन अब तो सितंबर के बाद भी कभी कभी बारिश हो जा रहा है, अगस्त में सितंबर अक्टूबर में कभी का, और विंटर जो है हमारा दिसंबर आने वाला है फिर भी अभी विंटर का वो, लेकिन पहले का जब टाइम था नवंबर स्टार्ट हुआ नहीं वो विंटर चालू एंड फरवरी तक ला, लेकिन अब तो फरवरी आते वो स्प्रिंग कब आ रहा है वो पता ही नहीं चलता है, स्प्रिंग का सीजन ही गैप कर दिया गया, तो विंटर दिसंबर तक लाइन डिसाइड किया गया, अक्टूबर से दिसंबर 8 से 15 डिग्री विंटर का सीजन डिवाइड किया गया। तो खरीफ हम जानते हैं समर में होता है, रेन और समर ये सारा चीज मिला लो, और उसके बाद रवि होगा, फिर उसके बाद जैत होगा मार्च और मई के टाइम पर। रिवर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जाम अगर जहां से बिहार का अगर फैक्ट पूछा रिवर सिस्टम ना पूछे हो ही नहीं सकता है, रिवर सिस्टम में सब कुछ आपको हर एक रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सोर्स कहां पर है, उसका मौत कहां पर है, कहां पर जाके मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गंगा रिवर किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, गंगा रिवर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, गंगा रिवर का टेरिटरीज कौन कौन सा है, नॉर्थ साइड से कौन कौन सा टेरिटरीज है, साउथ साइड से कौन कौन सा टेरिटरीज है,
तो रिवर अगर अब सिर्फ बिहार में अगर देखना चाहते हो ना, सिर्फ आप गंगा रिवर को पकड़ लो, गंगा रिवर के बारे में आपको सब चीज पता हो गया, उसके बारे में टेरिटरीज वगैरह के बारे में तो सारा चीज पता हो जाएगा। तो रिवर सिस्टम बड़ा है तो इसमें कवर में नहीं करेंगे, लेकिन रिवर सिस्टम को एक पूरे अलग से ही देख लेंगे पूरे टॉपिक के बारे में कि कौन सा ट्रीज ये सारा चीज है। और इस बुक में भी ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया गया है रिवर सिस्टम के बारे में, सिर्फ ये इतना एक्सप्लेन किया गया है कि ये रिवर सिस्टम जो है बेसिकली कहाँ कहाँ से निकल रहा है, कहाँ कहाँ से जा रहा है, बेसिक चीज बताया गया है, बस यू समझो कि नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ऑफ बिहार। बिहार में ज्यादातर नेशनल पार्क काफी कम है, कुछ ही बचे हुए हैं, या वाटर बर्ड सेंचुरी जो है कुछ कुछ इलाके में है, तो कुछ कुछ इलाके में जो भी है तो वो थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, हालांकि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट में तो नहीं डाल सकते हैं इस चीज को, लेकिन एनएच या जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट है जैसे एनएच 2 हो गया, एनएच 31 हो गया, एनएच 28 हो गया, तो ये सारा चीज जो है 39 जैसा हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर मे बी एनएच के बारे में। कुछ फैक्ट देख लेते हैं नॉर्थन बिहार एंड साउथन बिहार के बारे में, तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, नॉर्थन बिहार में जो है क्या है और साउथन बिहार में कौन सा है, लेकिन बस इतना ही जो इस बुक में बताया गया है। जैसे फॉर डेंसली पॉपुलेशन है नॉर्थन बिहार जो है एज कम्पेयर टू साउथन बिहार, अगर बात किया जाए तो नॉर्थन बिहार की ज्यादा पॉपुलेशन है और ये साउथन बिहार से, तो जैसे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो छपरा, जैसे हमारे अगर साउथर्न बिहार में देखा जाए तो पटना छुड़ा करके, अगर पटना की बात हुई, पटना तो बेसिकली कैपिटल है बिहार का, तो वो पॉपुलेशन बनता है उसको, लेकिन बाकी सारा चीज देख लिया जाए, पटना के दो तीन जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो हमारा वेस्टर्न नॉर्थर्न बिहार से ही होंगे, लेकिन पॉपुलेशन तो नॉर्थर्न बिहार का है ज्यादा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है नॉर्थन बिहार में, तो इस वजह से वहां के लोएस्ट इकोनॉमिक भी है साउथर्न बिहार से अगर हम लोग कंपेयर कर दिया जाए, तो वहां पर ज्यादा गरीब लोग हैं नॉर्थन बिहार में एज कम्पेयर टू साउथर्न बिहार में, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर साउथर्न बिहार में आते हैं तो कुछ इंडस्ट्री है यहाँ पर, आपको कैपिटल हमारा हो गया पटना, दूसरा चीज साउथर्न बिहार में देखा जाए तो मिनरल्स रिसोर्स पाए जाते हैं, पॉपुलेशन कम है, और लेकिन कुछ फैक्ट भी है तो कुछ नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेनफॉल नहीं हो पाता है, जैसे औरंगाबाद हो गया, बेसिकली गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, नवादा डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट काफी कम रेनफॉल होता है। तो इस बुक में क्या क्या मेंशन किया गया है इसके बारे में देख लेते हैं, तो ये बताया गया है कि ज्यादातर नॉर्थर्न बिहार के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर पर सिर्फ नॉर्थर्न बिहार के लोग नहीं, साउथर्न बिहार के भी लोग डिपेंडेड है, लेकिन ज्यादातर जो है नॉर्थर्न बिहार में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उस तरफ कौन सा हो गया, तो अगर नॉर्थर्न बिहार में अगर जाते हैं तो कुछ वहां भी उस तरफ भी फैक्ट्री मिलेंगे, जैसे ब्रोनी रिक का, ब्रोनी जो रिफाइन ऑयल है, थर्मल पावर प्लांट वहीं पर है, शुगर मिल वहीं पर है, तो बेगूसराय का कुछ ये जो इलाका है, बेसिकली ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बेगूसराय का कुछ ये वाला इलाका हो गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो एमएसएमई के लिए बड़ा फेमस होता है, राइट, और सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण में है, फ्लड का भी, ये फ्लड भी इसी दोनों नॉर्थन बिहार में ज्यादा आता है, दो कारण तो है, एक तो गंडक के द्वारा, एक तो कोसी रिवर जो है वो द्वारा, ये दोनों रिवर जो है वो दोनों नॉर्थन बिहार में प्रेजेंट है। और फॉरेस्ट अगर बात करते हैं तो ये डेंसली फॉरेस्ट है, ड्राई भी फॉरेस्ट माना जाता है दोनों इस तरफ, और जितना भी फ्रूट है हमारा प्रोडक्शन फ्रूट का, वो भी ज्यादातर मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन नॉर्थन बिहार में आता है, जैसे लीची फॉर एग्जाम्पल में मुजफ्फरपुर का सबसे, और GI टैग भी इसको दिया गया है लीची को, कि शाही लीची के नाम से इनको दिया गया है GI टैग। मैंगो भी प्रोडक्शन देखा जाए, बनाना का प्रोडक्शन जाएगा, जैक फ्रूट का प्रोडक्शन देखा जाए, सुगर केन का प्रोडक्शन देखा जाए, सारा नॉर्थन बिहार से ही तो आ रहा है, बिहार साउथर्न बिहार में ये सब फ्रूट है कहाँ, लेकिन साउथर्न बिहार में हैंडलूम के लिए जाना जाता है, राइस मिल के लिए जाना जाता है, शुगर मिल के लिए जाना जाता है, स्पेशली जो पटना जो है स्मॉल MSME के लिए जाना जाता है,
और एग्रीकल्चर देखा जाए तो दोनों तरफ कॉमनली है, पैड पैडी जिसको हम लोग कर वीट कहते हैं, राइस कहते हैं, वीट हो गया, लेंटाइल हो गया, सुगर केन हो गया, जूट, ये सारा एग्रीकल्चर जो है हमारा बिहार में। बिहार मिनरल्स अगर बात करते हैं तो मिनरल्स में आपको सारा साउथर्न बिहार में ही सारा प्रेजेंट है। मिनरल्स का अगर बात करते हैं तो भभुआ चल जाओ, रोहतास चल जाओ, गया चल जाओ, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, ये सारा जो है ना वो मिनरल्स के लिए है। जैसे हमारा बॉक्साइट पूछ दिया जाए कि बॉक्साइट कहाँ प्रेजेंट है मिनरल में, तो मुंगेर और भागलपुर जो है और किशनगंज जो है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली बॉक्साइट, बॉक्साइट अल्मोनियम ऑयल है ये पाया जाता है। सीमेंट, तो सीमेंट के लिए तो जहां पर डालमिया जैसे कंपनी रहेगा वहां पर तो सीमेंट ही पड़ेगा, तो रोहतास इसीलिए फेमस था कि वहां पर सीमेंट का जो है मिनरल्स पाया जाता है, इसलिए बेसिकली जो है उसके आसपास जो सासाराम का जो डालमिया नगर पूरा बसाया गया वो इसीलिए बेटा बसाया गया था। गया में अगर देखा जाए तो हमारा यूरेनियम पाया जाता है, माइका पाया जाता है, गया बाद जहानाबाद नवादा तरफ पूरा, और जम्मू में गोल्ड पाया जाता है कहीं कहीं, देखो एक दो गोल्ड मिल गया तो बस उसको चिपका दिया कि भाई जम्मू में जो है सोना पाया जाता है, यूज नहीं पाया जाता है। पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्ड हमारा कहाँ है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, साल्ट कहाँ पाया जाता है, और एग्रीकल्चर में अगर पूरा ये पूरा मैप जो दिखाया गया, ये सारा चीज मैप जो है पूरा इंडिकेशन दिया गया है कि राइस का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, सुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, वीट का, मैलेट का, कॉटन का, कॉटन भी हमारे वो कहीं कहीं पाया जाता है, कॉटन बेसिकली हमारे बिहार में तो है नहीं पर एक दो जगह वैसे जगह मिल जाता है, कहीं भी एक्सेप्शन हो जाता है उसमें से भी। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये लगा कि जूट का प्रोडक्शन भी होता है, और जूट का प्रोडक्शन जो होगा हम जो वेस्ट बंगाल से जो टचेड होगा स्टेट, जो वेस्ट बंगाल के बगल में जो है हमारा बिहार का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर जूट का प्रोडक्शन होगा, लाइक के किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, बिहार हो गया, ये सब में जूट का प्रोडक्शन मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी कभी कभी जूट का प्रोडक्शन थोड़ा मोड़ा होता है लेकिन ह्यूज अमाउंट में नहीं बोल सकते हैं। सो ये पूरा फैक्ट था बिहार फैक्ट, इतना ही बताया गया, फिर देखेंगे करंट अफेयर पूरा क्या बताया गया है उसके बाद।